ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयकारा शेरोंवालिका बोल साचे दरबार की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। आप देख रहे हैं ज्योतिष मिराकल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या है वह एक चीज़ जो अगर आप अपने घर में जलाते हैं तो आपके घर में कभी पैसे की कमी नहीं होगी। यह दुकान में भी आप जला सकते हैं, दुकान में कभी भी ग्राहकों की कमी नहीं होगी। जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही असरदार और दिव्य चमत्कारी यह चीज़ है। इसके जलाने से आपके पास जितनी भी नेगेटिविटी है वह सारी नेगेटिविटी समाप्त होगी और हमेशा आपके पास पॉजिटिविटी का माहौल बना रहेगा। हमारे ज्योतिष शास्त्रों में यूँ तो बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो नेगेटिविटी को दूर करने में कारगर सिद्ध होती हैं, लेकिन आज के इस एपिसोड में जिस एक वस्तु के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप सही से इसका प्रयोग कर लेते हैं तो आपको कभी भी अपने जीवन में पैसे की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथियों, आज के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके माता रानी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए बारंबार उनको प्रणाम करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। जयकार शेरों वालिका बोल साचे दरबार की जय। प्रिय साथियों, मैं पंडित नितिन शास्त्री हाजिर हूँ आप सभी भक्तों के सामने आज का यह नया एपिसोड लेकर के। आज हम बात कर रहे हैं तेज पत्ता के बारे में। आप सभी भक्तों ने तेज पत्ता देख रखा होगा। ज़्यादातर इसका प्रयोग भोजन में, पकवान में, मसालों के रूप में किया जाता है। भोजन के स्वाद को बढ़ाने के लिए तेज पत्ता का प्रयोग बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उसके साथ साथ ज्योतिष शास्त्रों में भी तेज पत्ता से जुड़े हुए कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे टोटके बताए गए हैं जिनका अगर आप यूज़ करते हैं तो अपने जीवन में बहुत हद तक आप खुशहाली लेकर के आ सकते हैं। अगर आपके पास नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अगर आपके घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है, इसके क्या लक्षण होते हैं? आपके घर में बिना बात के लड़ाई होना, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा परिवार में झगड़ा हो जाना, परिवार में पैसे का ना टिकना, या परिवार में लगातार किसी सदस्य का बीमार रहना, छोटे बच्चों में से किसी ना किसी के शरीर पर लगातार कोई कष्ट रहना, ये संकेत करते हैं कि आपके परिवार में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है या किसी ना किसी तरह का कुछ किया कराया आपके परिवार पर बन रहा है। तो घबराने की बात नहीं है। अब जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, इस उपाय को लगातार आपने करना है, बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी से छुटकारा आपको मिल सकता है। प्रिय साथियों, तेज पत्ता, जिसको कि बे लीफ भी बोलते हैं, तेज पत्ता अगर आप अपने घर में जलाते हैं तो इसके जलाने से जो धुआं निकलता है, इसके जलाने से जो पवित्र गंध निकलती है, जितना अधिक वह आपके घर में फैलती है उतना ही यह नेगेटिविटी को समाप्त करती रहती है। जी हाँ, अगर आप अपने घर में तेज पत्ता जलाते हैं, सभी कमरों में उसका धुआं दिखाते हैं, तो आपके घर में बड़ी से बड़ी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, वह तुरंत प्रभाव से आपके घर से दूर हो जाएगी। आपने कम से कम 15 दिन में एक बार बे लीफ अपने घर में जलानी ही जलानी है। हफ्ते में एक बार भी अगर आप जलाएं तो बहुत उत्तम रहता है। प्रिय साथियों,
एक तेज पत्ता आपने लेना है, उसको माचिस से आप अग्नि लगाएं, किसी बर्तन में भी आप उसको रख सकते हैं। उसके बाद पूरे घर के कमरों में आपने उसको दिखाना है और जितना जल्द, जितना अधिक श्रद्धा भाव से इस उपाय को आप करेंगे, उतना ही आपके घर से नेगेटिविटी किया कराया और नज़र का दोष समाप्त होगा। अगर आप यह कार्य करते हैं तो आपके घर में कभी भी कोई भी नेगेटिविटी नहीं होगी, आपके घर में घरेलू क्लेश नहीं होगा, आपके घर में पैसा टिकेगा, आपके घर में कोई रोग कोई बीमारी है वह भी आपके घर से दूर होगी। अब बात करते हैं कि अपनी दुकान में बे लीफ का प्रयोग किस तरह करें। अगर आपको लगता है कि आपकी दुकान में किसी ने कुछ करवा दिया है या आपकी दुकान का कार्य किसी ने बांध दिया है, तो आपने अपनी दुकान में एक तेज पत्ता कम से कम 5 दिन में एक बार तेज पत्ता ज़रूर जलाना है। जितनी भी नेगेटिविटी आपकी दुकान में थी, जितनी भी बुरी शक्तियां आपकी दुकान में थी, वो तुरंत प्रभाव से आपकी दुकान से बाहर चली जाएंगी और आपकी दुकान का कार्य बहुत अच्छा चलने लगेगा। आपकी दुकान में ग्राहकों की बरकत होगी और आपकी दुकान में धन आना प्रारंभ हो जाएगा। अब यह उपाय आपने करना किसी दिन है, तो नॉर्मली आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष दिन नहीं है कि आपने अमुक दिन को ही यह उपाय करना है, जिस दिन भी आप चाहो इस उपाय को आप कर सकते हैं। लेकिन उपाय को करते वक्त जितना अधिक आपके मन में श्रद्धा होगी, उतना ही जल्द यह उपाय आपके लिए काम करेगा, उतना ही जल्द यह उपाय आपको लाभ देगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी भक्तों को आज का एपिसोड पसंद आएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।